लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत में तकरीबन 13 करोड़ से ज़्यादा प्री डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिनको हम टाइप 2 डायबिटीज़ की कैटेगरी में नहीं रख सकते, मगर प्री डायबिटीज़ पेशेंट्स का विश्व स्तर पर जितनी तेज़ी से प्रसार या विकास हो रहा है वह निश्चित तौर पर चिंताजनक है। प्री डायबिटीज़ एक गंभीर स्वास्थ्य की स्थिति है जिसमें ब्लड ग्लूकोज के स्तर में वृद्धि हो जाती है। 2021 के अगर आंकड़ों की माने तो लगभग 298 मिलियन पेशेंट्स प्री डायबिटिक हैं। एक अनुमान के मुताबिक 2045 तक संख्या 414 मिलियन तक पहुँच जाएगा। ICMR के एक रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 15.4% शहरी आबादी के लोग, जबकि ग्रामीण आबादी के 15.2% लोग प्री डायबिटिक चरण में हैं। स्पेशलिटी एरिया इज मेंटल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। सो माय नेम इज टेटियाना रॉक्स, आई एम अ सीनियर रिसर्च फेलो एंड डायरेक्टर ऑफ द एकेडमी फूड एंड Food and Mood Academy at Deakin University Australia. So we research nutritional psychiatry. So it's an area of research and practice which link the food we eat with our mental health. We have horrendous numbers happening right now with pre-diabetes in India, but we also have very poor mental health right across the world. So today I presented how issues of mental health relate to diabetes. And I also talk about our gut health. That's another very important area which often overlook. We focus on metabolic health and weight and size, but we don't talk enough about gut issue and how important diet quality is for gut issue. And I understand that India does face a lot of difficulties when it's come to overall metabolic health and pre-diabetes in particular. And this is why I would like to congratulate LSA on such a wonderful initiative on your vision and all your work in organizing such an important event. I'm so amazed and very pleased to see so many students and how keen they are to learn more, to understand more, and to use that knowledge in practice to help prevent the absolute public health crisis which unfortunately is unfolding right now. सो बेसिकली जैसे हम सब जानते हैं कि डायबिटीज एक साइलेंट किलर है, ठीक है, पर जब हम डायबिटीज के लेवल तक ऑलरेडी पहुंच जाते हैं उसके बाद में बहुत सारा एफर्ट्स डालने से बेटर हम पहले ही पब्लिक को रोक सकते हैं वो लेवल तक पहुंचने के लिए। एंड सेकेंडली अगर आप आजकल के स्टैट्स देखो तो 213 मिलियन के ऊपर लोग आर ऑलरेडी इन द रेंज ऑफ डायबिटीज। स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लोबली एज वेल एज India being one of the capital of diabetes. तो इसलिए ये बहुत ज्यादा important है कि हम उसके बारे में बहुत knowledge spread across करें and इसमें से लोग काफी कुछ सीख के diabetes के level तक ना पहुंचे और यहीं पे उसको stop कर पाए। तो यही मकसद है हमारा pre-diabetes पे conference करने का। So research based हमारे पास सारे जितने भी speakers आए हैं और जो कुछ भी information दी जा रही है वो सारी की सारी research based है। एंड यहाँ पे आज बैठ के सारे लोग जो भी अटेंड कर रहे हैं आई एम श्योर कि वो बहुत ज़्यादा गेन करेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ जो भी बताई गई है इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट्स प्लस एट द सेम टाइम क्या करना है वो भी एक साइंटिफिक अप्रोच बेस्ड है जो आपको हेल्प करेगा टू इम्प्रूव। तो बेसिकली जैसे हमारा थीम ये है कि इंटीग्रेटिव न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल, राइट। तो इंटीग्रेशन में जो भी रिक्वायर्ड है, तो एक इंसान के लिए जो भी रिक्वायर्ड है, चाहे वो सिर्फ लाइफस्टाइल बेस्ड हो सकता है जिससे कि आपका खान पान, आपकी एक्सरसाइज, आपका क्वालिटी, आप कितनी अच्छी तरह से सोते हैं, कितना स्ट्रेस है जो हम देखते हैं थ्रू आउट बहुत लोगों के लिए होता है, शायद वही चीजों में चेंजेस करके भी, थोड़ी बहुत चीजें बदल कर भी आप वो लेवल से बच सकते हैं। या अगर एक इंसान को जरूरी है कि एलोपैथी या फिर होम्योपैथी या फिर आयुर्वेदा की रिक्वायरमेंट भी है तो वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कंपलसरी होना ही चाहिए और ऐसा भी नहीं है कि नहीं होना चाहिए। जो भी रिक्वायर्ड है, जो भी जरूरी है, वो इंसान के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए वो सारी चीजें हम इंक्लूड करते हैं। कई सारे प्रेजेंटेशन एक्सपर्ट्स डॉक्टर साइंटिस्ट के देखे, उसमें हमने क्लियर कई तरह से हमने देखा है कि डायबिटीज तो एक हमारे सामने समस्या है ही,
लेकिन जो छुपी हुई समस्या है वो प्री डायबिटीज है, जहाँ पर डायबिटीज से पहले जो फेज है उस फेज में कई लाखों लोग जो है उस फेज में है। और घबराने वाली बात यह है कि उन लोगों को भी नहीं पता है कि उनको वो प्री डायबिटीज स्टेज में है, बिकॉज उस स्टेज में कोई डायग्नोसिस कोई करता नहीं है। तो ये एरिया ऐसा लग रहा था कि बहुत अनटैप्ड है और अनएड्रेस्ड है, इसीलिए हमने सोचा कि इस एरिया पे वर्क करना चाहिए, ताकि डायबिटीज से तो रिटर्न पॉसिबिलिटी लिमिटेड या नहीं है, लेकिन प्री डायबिटीज स्टेज से रिवर्सल पॉसिबल है, इसीलिए इस फेज में काम करने का हमने सोचा। एक्सपर्ट्स लोगों ने जो बात की उसमें कई सारे सॉल्यूशन हमारे सामने आए हैं, तो हम डेफिनेटली इसको एक क्वार्टरली अभियान तरीके से लेंगे। और आज जो एकत्रीकरण हुआ है सारी संस्थाओं का, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी मुंबई के आए हैं, कई संस्थाएं डायबिटीज़ के रिलेटेड जो काम कर रहे हैं वो सब जमा हुए हैं, तो इन सब का एकत्रीकरण एट अ फ्रीक्वेंट इंटरवेल्स, मे बी एज अ क्वार्टरली वी आर गोइंग टू रिव्यू इट अगेन, तो इन सब से वापस से मिलकर ये हम एक कैंपेन और मुहिम के जैसे इसको कंटिन्यू रखने वाले हैं जी। इसमें सारी कम्युनिटीज़, बीट स्टूडेंट, प्रोफेशनल, कॉरपोरेट्स, ट्राइबल्स, वी आर ट्राइंग टू कवर ऑल दी पॉसिबल कम्युनिटी वेयर दी सफरिंग इज हायर, सो डेफिनेटली हम इसको एक 360 डिग्री कवरेज देंगे। सिद्ध भारत 2047 जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है वो तभी ही पूरा होगा जब हमारा देश एक स्वस्थ भारत का भी संकल्प ले ले, तो ये उस दिशा में कि एक कदम है और हम ऐसे कई कदम लेना चाहेंगे। एज अ फ्यूचर यूनिवर्सिटी एजुकेशन ग्रुप और लाइफनेस साइंस इंस्टीट्यूट, हम एक इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की जवाबदारी समझते हुए हम हमारी कोशिश करेंगे कि इस तरह के एड्रेसेस एरियाज को हम एड्रेस करें। ओके, सो सबसे पहले बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है, और सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि योग कोई टैबलेट नहीं है कि प्री डायबिटीज है तो हमें ये करना है, ये आसन करना है, ये प्राणायाम करना, ये मेडिटेशन करना है, इस तरह से हमें कभी भी कोई फायदा नहीं होगा। योग कहता है, एक योग जीवन शैली की बात करता है कि आपका जीवन शैली ही योगिक हो, मतलब आपका सोचने का तरीका, आपका एक्शंस जो होते हैं, आपके जो कर्म है उनका, हर चीज पे हमें ध्यान देना, हमारे खाने पे ध्यान देना, हम कितना रिलैक्स कर रहे हैं उस पर ध्यान देना है, क्योंकि जब भी अगर हमारा शरीर या हमारा मन एक प्रकृति के लय में नहीं रहेगा तो हमारे शरीर का अंदर का कुछ भी काम जो है वो लय में नहीं रहेगा। सो अगर प्री डायबिटीज की हम बात करते हैं तो प्री डायबिटीज फॉर्चुनेटली है कि अभी हम डायबिटीज तक नहीं पहुंचे हैं। सो प्री डायबिटीज ऐसा है कि हमारा बॉडी का ऐसा कंडीशन है कि हम जा सकते हैं डायबिटीज की ओर। प्री डायबिटीज का मतलब कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, मतलब हमने कुछ तो गड़बड़ किया है और उस गड़बड़ी को हमें ठीक करना है। तो सबसे पहले कि एक आसन या चार आसन से नहीं होगा, हमें अपने अंदर का ब्लड सर्कुलेशन करना अच्छा करना होगा, जिसमें बहुत सारे आसन हैं। हमें अपने मन को शांत करना पड़ेगा, क्योंकि जब मन शांत होता है तो हमारी पूरी बॉडी जो है, हमारा शरीर का सारा जो अंग है वो एक लय में काम करता है। सो बस योग सीखें, थैंक यू। सो सबसे पहले ना हमें एक दिनचर्या बनाने की जरूरत है। ओके, अगर आज का जीवन शैली हम देखें तो हम ज्यादा बैठकर निकालते हैं। पहले हमारा जो घर ही ऐसा होता था कि अगर हमें वॉशरूम भी जाना है तो वो कितना दूर होता था, तो हमारा चलना फिरना बहुत ज्यादा कॉमन था, जो आज के डेट में नहीं है। तो पहले तो हमें एक जीवन शैली अपना, एक दिनचर्या बनाना होगा। सबसे जो गलत बात हो रही है आज के डेट में, लेट उठना। ओके, अगर हम सूर्य के साथ नहीं उठते हैं तो हमारे बॉडी का, देखिए बॉडी जो है ना कृष्ण भगवान की तरह है, हमें 108 चांस देता है कि भाई सुधर जाओ और लय में आ जाओ, लेकिन हम सुनते नहीं है। और जब हम नहीं सुनते हैं तब ये प्री डायबिटीज स्टार्ट होती है। सो अगर हम एक पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करते हैं जहां पर हमें मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक तो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी का सर्कुलेशन बढ़ाता है। योग करना इसलिए जरूरी है, योग आसन, क्योंकि योग आसन इस तरह से बनाए गए हैं कि आपका पैनक्रियास के तरफ ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन रहे। सी हमारे जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है, अगर हम प्री डायबिटीज में बोले तो हमारा पैनक्रियास भाई बेचारा ठीक से काम नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि उसको पोषण नहीं मिल रहा है। अगर हमें खाने को नहीं मिले तो हम भी तो ऐसे गिरे हुए रहेंगे, हमारा काम जो है, हमारी एफिशिएंसी जो है, कार्य क्षमता वो कम होने लगेगी। सो हमें क्या करना है, पैनक्रियास को मजबूत करना है। वो कैसे होगा, डेफिनेटली वहां पे ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजनेटेड, मैं वापस रिपीट करती हूँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए। इसलिए प्राणायाम इतना इंपॉर्टेंट है, आप ब्रीदिंग भी अच्छे से करो और आप आसन भी करो। ओके, डेफिनेटली। और एक हमारा मुहिम होना चाहिए, मूव मोर एंड सिट लेस।
ओके, कम बैठना है ज्यादा, हर डेढ़ डेढ़ घंटे में हमें मूव करना चाहिए ताकि हमारा बॉडी का पुर्जा जो है हर समय काम करता रहे, एक्टिव रहे, और इस कारण से ज्यादा मुश्किल नहीं है, हमने बना दिया है मुश्किल। डायबिटीज जो है ना हमारे लाइफस्टाइल यानी हमारे जीवन शैली की बदौलत हमें होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पूर्वजों की हमें ये विरासत भी मिलता है, पर आजकल दवाइयाँ अच्छी निकली हैं, लोग भी हमें अच्छा एडवाइस देने वाले मिले हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं और जो डाइटिशियंस हैं, जो लाइफस्टाइल कोच हैं, तो हमें इससे डरना नहीं चाहिए पर सावधान रहना चाहिए। हमें सावधान रहना चाहिए क्योंकि डायबिटीज के जो अगर इसे अनकंट्रोल रहा, हम इसे नहीं संभाल पाए तो हाथ से निकल जाता है, और कोई भी चीज़ जब हाथ से निकल जाती है तो उसको थामना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अगर मैंने बहुत साल इसको इग्नोर किया है या इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस यानी धीरे धीरे आँखों पर असर होता है, किडनी पर असर होता है, अपने पूरे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स पे इसका असर होता है। इसे हम कोमॉर्बिडिटी और इसे कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज कहते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें पहले से ही, जैसे ही पता चले कि ये आया है, ये बीमारी है अपने पास आई है, तो डर के बजाय सतर्क हो जाना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। और हम जैसे भी कोई सिचुएशन लाइफ में आती है उसको लेके हम रो नहीं सकते, इसका हल हम कैसे निकाले और बेस्ट तरीके से हमें कैसे निकालना है, क्योंकि हर एक पेशेंट अलग होता है। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है कि ये हुआ तो ये करो, मेरे लिए अलग होगा, आपके लिए अलग होगा, किसी यंगस्टर के लिए अलग होगा, किसी वृद्ध के लिए अलग होगा। प्रेगनेंसी में जिनको डायबिटीज होता है उनकी तो अलग ही स्थिति है, और बच्चों में भी, जिसको जुवेनाइल डायबिटीज कहते हैं, बच्चों में भी पाया जाता है। तो हर एक पेशेंट को अलग तरीके से हैंडल करना पड़ता है, और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें अकेला नहीं लड़ सकता, पूरी फैमिली, पूरे लोग जो उसके साथ है ना, उनको उसको हेल्प करना है। क्योंकि इसमें आहार विहार दो चीजें आती है, डाइट भी है, एक्सरसाइज भी है, और सही तरह का। डायबिटीज का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अच्छा खाना छोड़ दे, हम जो भी खा रहे हैं उसे सही मात्रा में खा रहे हैं, सही ढंग से खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, बस ये एक ऐसी चीज है जो हम अपने आप को डिसिप्लिन में लाना है। जैसे कोई कान पकड़ता है ना बच्चे का, इनडिसिप्लिन बच्चा, उसे वापस डिसिप्लिन में लाना है। अपने आप को डिसिप्लिन में लाओ, धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आ जाएगी, सही हो जाएगा। तो इसे डरना नहीं है, पर वी कैनॉट इग्नोर इट ऑल्सो। देखो, डायबिटीज और प्री डायबिटीज, जिसे हम पूर्व मधुमेह कहते हैं या मधुमेह कहते हैं, इसके जो सिम्टम्स हैं वो पूर्व मधुमेह के बिल्कुल सूक्ष्म हैं, हमें पता भी नहीं चलता। एक दिन हम उठ के कोई एक ऐसी हादसा ऐसा हो जाएगा कि एकदम से हमें ब्लड टेस्ट करना पड़े या कुछ तो पता चलता है, पर सिम्टम्स धीरे धीरे आते हैं। पहला तो एकदम थकान आती है, मीन्स मैं अच्छे से सोया हूँ, अच्छे से मैंने खाना खाया है, फिर भी मैं सारा टाइम थका हुआ हूँ, एक तो ये है। दूसरा है कि बार बार गला सूख रहा है, प्यास लग रही है, बार बार हमें भूख ऐसे लग रहा है, खाना खाया है फिर भी कहीं लग रहा है कि भूख लग रही है, कुछ खाना है, बॉडी इज क्रेविंग। क्योंकि क्या होता है, वो हम यूटिलाइज नहीं कर पाते, हमें एनर्जी बराबर नहीं मिलती, एक तो ये है। और दूसरे सिम्टम ये है कि इम्यूनिटी भी थोड़ी बहुत कम हो जाती है। तो पर ये सिम्टम्स ना जब एकदम से डायबिटीज होने वाला होता है तब उभर के आते हैं, उससे पहले ये एकदम सोए हुए रहते हैं। इसीलिए ये बीमारी ऐसी है कि मेरा तो मानना है कि अपने फैमिली में अगर किसी को डायबिटीज हो इमीडिएट, जैसे मेरे पेरेंट्स को हो या मेरे भाई बहनों को हो, तो मुझे अपने आप को एक गिफ्ट देना चाहिए, मेरे हर बर्थडे पे अगले दिन जाके एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट करा लूं सीबीसी। अब जैसे मेरी उम्र बढ़ती है ना, हमें कराना ही चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उसको हम बिल्कुल पहले से पकड़ सके तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको हम अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। अच्छा, अब जब हेरिडिटरी है ना, तो मेरे लिए तो ऐसा है कि मुझे पता है
ये है मेरी फैमिली में, अगर मुझे पता है ये मेरी फैमिली में है तो मैं यंग एज से, जैसे माँ बाप को पता है अगर मुझे डायबिटीज है तो मैं अपने बच्चे को नहीं होने दूँ, प्रिवेंट करूँ, तो हम हमारी पूरे फैमिली की लाइफस्टाइल ऐसी करें कि नेक्स्ट जनरेशन में ये चांसेस कम हो जाए। मैं ये नहीं कहती कि अगर दोनों माँ बाप दोनों को है तो चांसेस ज़्यादा है बच्चे को होने के, पर हम उसको ना डिले कर सकते हैं, जैसे कि 25-26 साल में होने के बदले 40-50 साल में हो जाएगा डायबिटीज, हम उसको पुश कर सकते हैं। और कई बार तो हम उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये बच्चा अपनी लाइफस्टाइल ढंग की रखे, बराबर एक्सरसाइज करे, सही तरह का खाना खाए, सही तरह से अपनी लाइफस्टाइल जिए, तो ही कैन टोटली आल्सो प्रिवेंट इट। बट डिले इज डेफिनेटली अश्योर्ड अगर हम पहले से इसको हम मीन समझदारी से अपनी लाइफस्टाइल जिए। तो हेरिडिटरी वालों के लिए तो एक सिग्नल है ही, उनको पता ही है, जिनका हेरिडिटरी नहीं है उल्टा उनको और डेंजरस है, क्योंकि अरे ये कहाँ से आ गया, मेरे फैमिली में भी नहीं है, किसी को भी नहीं है, मुझे कैसे हो गया, शायद मेरा वजन बहुत ज्यादा है, शायद मैं उटपटांग चीजें बहुत खाया करती थी, शायद मैं स्ट्रेस बहुत लेती थी, शायद मेरी नींद बराबर नहीं थी, देयर आर मेनी 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 रीजंस। तो हेरिडिटरी वालों का तो ऐसा है कि उनको एक सिग्नल मिल चुका है कि भैया मेरे फैमिली में तो है, मैं थोड़ा सा सावधान रहूं। आपका क्या मानना है? विटामिन डाउनफॉल तो बहुत ही लोगों को होता है अपने देश में, क्या है माइक्रोन्यूट्रिएंट इनटेक इज पुअर, प्रोटीन इनटेक इज आल्सो नॉट वेरी गुड। अगर हम अपना खाना देखें तो बाय एंड लार्ज ऑल इंडियंस मोस्ट ऑफ अस हमारा खाना कार्बोहाइड्रेट रिच है, जिसको हम कर्बोदक कहते हैं, जैसे कि चावल है, गेहूं है, ब्रेड है, रोटी है, पराठा है, और फैट। तो नॉर्थ में, बंगाल में ये ब्रेकफास्ट ही उनका पूरी सब्जी होता है, तो आप तेल खा रहे हो, आप मैदा खा रहे हो या आटा खा रहे हो, पूरी खा रहे हो, आलू की सब्जी खा रहे हो, तो इट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट फैट। साउथ में भी देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, राइस मेड प्रेपरेशंस, उनका फैट इनटेक थोड़ा सा कम होगा नॉर्थ और ईस्ट से, पर कार्बोहाइड्रेट तो है। तो बेसिकली हमारे इंडियंस की डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत है, और आजकल क्या हो रहा है ना, रेगुलर कार्बोहाइड्रेट के बजाय हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, जैसे मैदे से बनी हुई चीज। आप कोई भी बच्चे की एडोलेसेंस की या इनके खान पान देखो, ब्रेड है, सैंडविच ब्रेड से बनी है, पिज्जा ब्रेड से बना है, पास्ता मैदे से बना है, नूडल मैदे से बना है, सेव पूरी की पूरी मैदे से बनी है, पाव भाजी का पाव मैदे का। तो ऐसी कौन सा आइटम बच गया है जो हमें भाता है, जो मैदे का नहीं है, और बाकी सारी चीजें तली हुई है। तो दैट इटसेल्फ इज शोइंग कि हमारा डाइट ही मेन एक है, और सेडेंट्री। अब देखो सब कुछ ऑनलाइन, जो आंटी सब्जी खरीदने बाजार शाम को जाती थी थैला लेके, वो भी ऑनलाइन ऑर्डर कर रही है ना, वो भी ऑर्डर कर रही है ऑनलाइन। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो चुका है, और हमारा खान पान बिगड़ चुका है, इसके वजह से वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स है ये। मैं यही कहना चाहूंगी कि कैच इट इन द बड, जैसे उसको बढ़ने ना दो, जैसे ही पता चले आप उसका इलाज करो, दैट इज वन। सेकेंडली प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, उसको आप होने से ही बचो, उसकी तरफ जाओ ही मत। इट इज वेरी डिफिकल्ट बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। हमको डिसिप्लिन होना चाहिए, खुद को और पूरी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे डायबिटीज नहीं है तो मैं रबड़ी और पूरी खाऊं और जिसको डायबिटीज है वो मेरी तरफ ताकते रहे, नहीं, पूरी फैमिली ये नहीं खाएगी या कम खाएगी या कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढेगी इसके लिए।